नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माई सिंपल होम गार्डन पर। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ छोटा सा गार्डनिंग ब्लॉग। आज मैं जो है अपने गार्डन में ज़रूरी काम करने जा रही थी। फ्रेंड्स, ये जो काम है आप भी जो है सितंबर महीना ख़त्म होने से पहले पहले आप भी ज़रूर करिए। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरा एक्जोरा का प्लांट है। ये देखिए इस तरह के जो है 12 इंची के पॉट में लगा है। ये सीमेंट का पॉट है। इसकी जड़ें जो है आप देख सकते हो पूरी तरह जो ऊपर तक आ गई है, और ये देखिए, और ये निकालने पे इतने जल्दी से जो है ये निकल गया है। और आप इसके रूट्स देख सकते हो फ्रेंड्स, पूरा जो है रूट बाउंड हो गया है। पूरा जो है इसकी ये है इस तरह की टोकरी बन गई है। और देखिए ड्रेनेज होल से भी नीचे देखिए इस तरह से इसके रूट्स बाहर देखिए बाहर तक आ गए थे। तो फिर भी जो है ये जो प्लांट है काफ़ी अच्छे जो है फ्लावरिंग कर रहा है। आप देख सकते हो कितने बड़े जो है इसके हर जो टीप है उसमें फूल आ रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये जो प्लांट है ये एक्जोरा का, ये श्रब प्लांट होता है, मतलब ये झाड़ी नुमा पौधा एक बहुत बड़ी जो है झाड़ी का आकार ले लेता है। इसे मैंने अभी जैसे प्रून भी कर दिया था जून के महीने में, तब भी देखिए आप इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया हो रही है। तो इसके लिए जो है अभी मैं बड़ा पॉट मैंने लिया है। तो ये घर का ही है, ये जो है ऑयल जो टीन आता है 15 लीटर वाला वो है। इसे जो है मैंने कट करके इस तरह से इसमें ड्रेनेज होल भी बना लिया है, और ब्लैक कलर से इसमें जो है मैंने प्राइमर मार दिया। प्राइमर हम मारते हैं तो इसमें जो है जंग नहीं लगता है, और इस तरह से ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें लाइट पिंक कलर के फूल आते हैं। इसे जो है मैंने इस तरह के ये वेस्ट जो आती है पॉलीथीन बैग उसमें मैंने लगा दिया था, आटे की बोरियाँ। देखिए इस तरह से मैंने ये टीन प्लांटर को तैयार कर लिया था। और ये पाउडर पफ का प्लांट है, ये भी पॉलीथीन बैग में लगा था। इसकी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही थी क्योंकि इसकी भी रूट जो है बाउंड हो गए हैं। और ये श्रीम प्लांट है, ये भी पॉलीथीन बैग में ही लगा था, जो वेस्ट वाली होती है उनमें ही जो है मैंने इनको लगा दिया था। उस टाइम मेरे पास में पॉट नहीं थे, और ये 2 साल से इनको जो है 2 से 2.5 साल हो गए, काफ़ी अच्छे चले थे, पर अभी जो है इनकी ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो रही है। तो इनको जो है मैं थोड़ा बड़ा जो है स्पेस दे रही हूँ। अभी ये छोटे पॉट में थे, अब जो है मैं इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने गार्डन सॉइल और गोबर की खाद, एप्सम सॉल्ट, और ये नीम की खली है, और ये सरसों की खली, और मैंने बोन मील यहाँ पर ले लिया है। ये देखिए इस तरह से जो है मैंने पॉटिंग सॉइल को यहाँ पर रेडी कर दिया, क्योंकि 4 मुझे गमले मतलब प्लांटर में ये मिट्टी भरना है, तो काफ़ी ज़्यादा है मिट्टी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जितने भी ये जंगली प्लांट्स हैं उनको भी निकाल दिया। और इस तरह से जो है मैं इसके रूट्स को जो है थोड़ा ढीला कर लूँगी। जो भी इनके फाइबर रूट है जो बाहर की तरफ है उनको जो है मैं पूरा ऐसे इस तरह से ढीला कर दूंगी। नीचे नीचे के जो है रूट्स को जो है मैं थोड़ा कट कर दूंगी, ये देखिए नीचे की तरफ वाले। और जो ये फाइबरस रूट होते हैं इनको अगर हम कट भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ प्लांट्स को नुकसान नहीं होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह के ये जो इसके जो है फीडर रूट भी बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इनको जो है मैंने ढीला कर दिया। और जितने भी मेरे ये प्लांट थे चारों, उनको मैंने निकाल दिया है पॉलीथीन बैग से। और इस तरह से जो है नीचे नीचे की जो है इनकी मिट्टी को मैंने हल्का सा जो है निकाल दिया है, ऊपर की जो है मैंने रहने दिया, और साइड साइड से भी हल्का थोड़ा थोड़ा जो है मैंने इनको ढीला कर दिया है। इनकी जो रूट्स है फीडर रूट्स, इनको हल्का हल्का, ज़्यादा भी नहीं किया फ्रेंड्स मैंने, ज़्यादा भी इनके रूट्स को छेड़ा नहीं है। और इनको जो है अभी मैं पॉट में जैसे लगा दूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने ठिकरे से ड्रेनेज होल को बंद कर दिया है। थोड़ी बहुत जो है मिट्टी मैं इसमें पहले भर दूँगी। तो इस तरह से ये जो मिट्टी है मेरी पुराने जैसे गमलों की ही मिट्टी है, इनको जो है मैंने सूखने के लिए रख दिया था। और अभी जो है हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, 2 दिन से अभी जो है बारिश नहीं हुई, तो मिट्टी थोड़ी सी जो है सूख गई। मेरी मिट्टी जो है बाहर ही रखी थी, तो मैंने सोचा ये काम आज निपटा लें, नहीं तो अभी जो है हमारे यहाँ बारिश का मौसम जो है बन चुका है। तो देखिए इस तरह से इनको जो है मैंने रिपोर्ट कर दिया। और ये काम जो है आप सितंबर महीना ख़त्म होने से पहले कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय होता है रिपोर्टिंग करने का। जितने भी आपको प्लांट्स आपके गार्डन में लग रहे होंगे कि वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे होंगे, अच्छे से फ्लावरिंग, तो आप चेक कर लीजिए उसके जो रूट से ऊपर की तरफ तो नहीं आ गए, नीचे की तरफ उन रूट बाउंड तो नहीं हो गया। आप चेक करके जो है उनकी रिपोर्टिंग आप तुरंत कर दीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग करने का ये बहुत ही बढ़िया समय है। ना ही ज़्यादा इसमें धूप होती है, ना ज़्यादा बारिश, और ना ही ज़्यादा इसमें ठंड। बहुत ही बढ़िया आइडल टाइम होता है ये पौधे को जो है रिपोर्ट करने का। तो इस तरह से देखिए मैंने जितने भी मेरे चारों ये प्लांट्स हैं इनको बहुत ही ज़्यादा नीड थी इनको रिपोर्टिंग की। देखिए इसमें इस तरह के पत्ती खाने वाले कीड़े भी लगे, तो इसको जो है मैं अभी नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दूँगी।
ऑर्डर पफ के पत्ते भी देखिए इस तरह से पीली हो गए थे, क्योंकि इसको जो है अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो जगह भी बहुत छोटी थी इनके लिए, रूट्स भी वही के वही, और ये अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे थे। अभी जब इन्हें बड़े पॉट में हम शिफ्ट करते थे तो इनको जो है रूट को फैलाने के लिए भी जगह मिल जाती है, और ये न्यूट्रिशन को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते, और हमारा जो प्लांट है काफ़ी अच्छे से जो है बढ़ता फूलता है, अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो फ्लावरिंग करने के लिए जो मेन बात होती है, तो इनका जो पॉट का साइज़ है, आप रूट को आप चेक करिए, अगर रूट बाउंड हो रहा है तो उससे भी जो है हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है, अच्छे से जो है फ्लावरिंग नहीं करता है, तो ये भी हमें चेक कर लेना चाहिए। हमेशा जो है हमें फर्टिलाइज़र ही देते नहीं रहना चाहिए, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हमारे पौधों के अच्छे ग्रोथ के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पानी दे दिया, और पानी हमें तब तक देना है कि ड्रेनेज होल से नीचे ना गिरे, और नेक्स्ट टाइम जब हम वाटरिंग करेंगे, हल्की सी मिट्टी ड्राई हो जाएगी तभी हम पानी देंगे। और इन्हें जो है हम 4 से 5 दिन शेड एरिया में रख देंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का गार्डनिंग ब्लॉग, ये मेरे आज के गार्डनिंग काम थे जो मैंने किए और आपसे मुझे जो है शेयर करना था। तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।